जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो क्लास नंबर 4 है और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक यूट्यूब चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे लाया जाए। यानी आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपका एक दोस्त है, आप उसको कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है इंटरनेट गुरुजी। फिर वो बंदा यूट्यूब पे, यानी आपका जो दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है आपका, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है इंटरनेट गुरुजी, फिर उसको आपका चैनल सर्च में ही नहीं आता, या अगर आता है तो पता उसको पता नहीं चलता कि यार इतने सारे चैनल आए हैं तो मतलब मेरे दोस्त का कौन सा चैनल है। अगर उसने पिक्चर भी नहीं लगा, पहले तो आता नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। तो ये किन लोगों के साथ होता है, आज की वीडियो में आप लोग सारी चीज़ें जिसकी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बताऊंगा, समझाऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को यहाँ पर जो लाइक का बटन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक तक नहीं करते। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर ताकि मैं आपको सारी चीज़ें सारी स्ट्रेटेजी समझा दूँ कि कैसे आप लोग एक YouTube चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग YouTube चैनल सर्च में ला सकते हैं, कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके बदौलत आप अपना YouTube चैनल जो है ना जीरो सब्सक्राइबर पर भी अपना चैनल जो है ना ला सकते हैं YouTube चैनल के सर्च में। उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों, आइए मैं बेल की स्क्रीन पर ताकि मैं आपको सारी चीज़ें सारी यानी इस सर्च में लाने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बता सकूँ। सो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट में लाना चाहते हैं और अगर अभी तक आपका यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा है या बहुत नीचे आ रहा है, उसके लिए आपने करना क्या है, दो ही चीज़ें हैं, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एक दोस्त हूँ और मैं यहाँ पर आपके जो यूट्यूब चैनल को जो है ना सर्च करता हूँ, तो फिर इस तरीके से मैं जो भी सर्च करता हूँ तो आपका यूट्यूब चैनल यहाँ पर हमारे पास नहीं आता है, या वीडियोज़ आती है या बाकी चैनल आते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता कि मेरे दोस्त का चैनल कौन सा। ये देखिए कितना नीचे शो कर रहे, फर ये तो मैंने वैसे ही कुछ ये देखे वैसे ही आम चीज़ें सर्च की है। मैं आपको अभी ये देखे मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ आया, ठीक है। तो यानी एक सही चैनल कैसे सर्च में ला सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, दो चीज़ें हैं। नंबर वन, जो चैनल आप रखना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपने पहले सर्च करना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सर्च, जैसे आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, मैं आपको ये देखें यूट्यूब पर अभी सर्च करो इंटरनेट गुरुजी, आपको पहले नंबर पर वीडियोज़ के वीडियो भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, किसी और का चैनल भी नहीं आएगा यूट्यूब पर, आपको मेरा ही चैनल आपको शो होगा। क्यों, मैंने क्यों ऐसा, क्यों आपको मेरा ही चैनल शो कर रहा है, इसके दो ही रीज़न है। जब भी आप लोग यूट्यूब चैनल बनाते हो, बनाने से पहले आपने सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, फॉर एग्जांपल आपका नाम है फहद, ठीक है, आपका नाम है फहद, मैं आपको अभी बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका नाम है फहद और इसके बाद गुरु जी लिखते हैं, ठीक है, आप लोग फहद गुरु जी लिखेंगे, तो फहद गुरु जी नाम रखने से पहले आप लोग पहले यूट्यूब पर आके सर्च करो कि क्या फहद गुरु जी के नाम से कोई और यूट्यूब चैनल है। ये देखें तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह सीन आया है, तो यहाँ से आप लोग इस फिल्टर के, ये देखें यहाँ पर क्लिक करके, फिल्टर पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके, सॉरी यहाँ पर क्लिक करें यहाँ पर, और चैनल्स पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई करें, तो आपको ये बता देगा कि फहद गुरु जी पर, ये देखें फहद आलम गुरु जी है और फहद गुरु जी यूनिक कोई ऐसा चैनल नहीं है। इस चैनल, इस नाम पर अगर आप यानी चैनल बनाएंगे तो आपका चैनल जो है ना सर्च में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है, मैं आपको अगेन रिपीट नहीं करता, जल्दी जल्दी सिर्फ आपको बताता हूँ, वही नाम आपने रखना है, यानी रखने से पहले आपने उसको एक बार सर्च करना है, क्या मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये किसी और यूट्यूबर ने तो नहीं रखा है, इस नाम को नहीं रखा है, तो फिर आपने रखना है। जब आप ये रखेंगे तो यहाँ पर आपका पहले नंबर पर शो करेगा, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि इस नाम में गुरु जी आ रहा है, तो इसलिए अगर आप फहद गुरु जी रखेंगे तो ये फहद आलम गुरु जी है, तो आपका टॉप पर शो करेगा पहले नंबर पर और इसका दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर शो करेगा। तो इस तरह इसका सीन होता है, ये एक मेथड हो गया। इसका दूसरा मेथड यह है कि फॉर एग्जांपल जो आप लोग यहाँ पर अपना चैनल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडिट चैनल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे अपना चैनल जो है ना ओपन करेंगे तो आपके जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है ना, यानी जो आपकी चैनल की अबाउट है, आप लोगों के यूट्यूब चैनल का नाम जैनुल आबिदीन है, फहद गुरु जी है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फहद गुरु जी, फहद गुरु जी न्यू वीडियो, फहद गुरु जी न्यू व्लॉग, फहद गुरु जी न्यू वीडियो 2021, इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है ना वीडियोज़ बनानी है, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है, इस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, तो इस तरीके से आपका यूट्यूब चैनल जल्दी जल्दी ऊपर रैंक में शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है।
यानी जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल बना है ना, जो भी उसका नाम है उस नाम से रिलेटेड पहले वो नाम लिखना है, ज़ैनुलाब्दीन। मैंने ऊपर भी नाम लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा ज़ैनुलाब्दीन, थोड़ा दूसरे स्पेलिंग के साथ किया ज़ैनुलाब्दीन न्यू वीडियो, इस तरीके से आपने भी लिखना है। तो ये चैनल मैंने आपके सामने बनाया था, ठीक है, जो इसकी सीरीज फ्री सीरीज़ जो है ना, इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप लोग अपने चैनल को यहाँ पर जो क्रोम ब्राउज़र के अंदर सेटिंग होती है ना, वहाँ पर भी आप इसको, यहाँ पर एक और भी मेथड है, अगर ये तीनों मेथड्स करेंगे तो आपका गारंटेड आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आ सकते हैं। एक तरीके से भी आता है, लेकिन तीनों करो तो आपका यूट्यूब चैनल पहले नंबर पे आएगा। यानी यूट्यूब के सेटिंग पे आना है, और ये वही लोग जानते हैं जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग भी ऑलरेडी जानते हैं तो यानी यूट्यूब के सेटिंग में आना है, जो क्रोम ब्राउज़र के अंदर सेटिंग होती है ना, ये देखे सेटिंग की बटन यहाँ पर शो हो रही है, ये देखे इस सेटिंग के बटन पर मैं आपके सामने यहाँ से क्लिक करता हूँ, यूट्यूब यानी क्रोम ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपने आने के बाद क्रोम ब्राउज़र पर, सॉरी, ये जो चैनल लिखा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। किस पर? चैनल पर। मैं आपके सामने कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो चैनल लिखा है ना, तो यहाँ पर जो चैनल लिखा है इस पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स में भी अपना जो आपके नेम से रिलेटेड है वो आप लोगों ने डालना है, ठीक है। जैसे कि फहद गुरुजी, इस तरीके से आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। और एक और भी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चैनल कीवर्ड में आप लोग सेम अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड देंगे तो फिर आपका चैनल जल्दी जल्दी शो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग अपना, डिस्क्रिप्शन पे भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग अपना नाम हर जगह पे पेस्ट करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन, अबाउट, कीवर्ड में, तो आपका चैनल जल्दी जल्दी ऊपर रैंक पर आ जाएगा, कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटे में। तो परेशान नहीं होना है। और अगर फिर भी नहीं आते, एक दो वीडियोज़ अपलोड करो, उसमें अपने नाम से रिलेटेड जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही रखो, उसको व्यूज़ की खातिर नहीं अपलोड करना है, जैसे वो आपका बस चैनल आपके सर्च में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजी है, प्लीज़ इसको फॉलो करो, इससे आपका यूट्यूब चैनल 100% रैंक सर्च में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।